हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की ब्लॉग की ओपनिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और बिल्डिंग के नीचे मैं आया हूँ कुत्ते लोग को बिस्किट डालने, देखता हूँ लोग। सो गाइस, मैं ये बोल रहा था कि मैं भी देखता हूँ यहाँ पे आवाज़ देखे वो लोग है या नहीं है, या पता नहीं जगह वो लोग ने चेंज किए है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वरना आज बाइक की आवाज़ सुन के जैसे आ जाते, अभी आए नहीं, क्या उन्होंने शायद पीछे साइड गए हैं। और मेरे को भी पीछे साइड जाना ही है देखने के लिए, क्योंकि झाड़ गिर गया ऊपर से और ये मिर्ची वाला और मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। सो देखता हूँ सीन क्या है क्या नहीं, फिर घर पे आके आपसे अभी डायरेक्टली मिलता हूँ। सो बने रहिए वीडियो। याद में इतना चिढ़ गया है ना मेरे से, बोले जब तक ब्लॉग से भरा ना जान, मेरे को सिर्फ थोड़ी देर सोने दे। मैंने बोले ठीक है, मैंने सोने ही नहीं, मैंने कुछ बोली भी नहीं। और यार भी बेमतलब का उठ गया, उठ के मेरे ऊपर ही चार्ज हो रहे, बोलते कि तूने मेरे को ज़रा सोने नहीं दी, ज़रा सोने नहीं दी। मैंने कुछ करी भी नहीं, मैं अपना काम कर रही थी और मेरे को बोलते कि ज़रा सोने नहीं। ऐसे क्या बोलते हो? ओ सो जाओ, सुलाती ना मत करना। मैं ऐसी सुलाती ज़ोरा को भी, ऐसी सुलाती संदानी को भी, ऐसे लोग लोग सोते। मत सुला, मैं सो जाऊंगा खुद से, मत सुला। सोचो तेरी से कैमरा चालू नहीं रहता ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा जवाब देता था इससे को। ये शैतानी हंसी देख के आप समझ जाओ यहाँ ब्लॉग से हो रहा है। लाले लाले सारा ठेला लाले। गाइस, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना, तो ऐसा कभी लोग सोते नहीं रहेंगे ना, लोग ऐसे तपकी तपकी दे दे के फिर उसके बाद में ना ऐसे ऐसा करना, क्या मजा ली नींद में सोते ना उन लोग, क्या बताऊँ। मेरे बेटे को भी सुनाते हो मम्मा, तो गाइस अम्मी ने रात को दिया था खाना काकू को देने के लिए, पर रात को हो चुका था बहुत ज़्यादा लेट, तो क्या सुबह देना भूल गए, तो मेरे को अचानक से दिख गया, तो मैंने बोला कि अरे जाके दे ही देती हूँ। अभी मैं ये काकू के आकर और ये देने आए, ये देती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं काकू के यहाँ से गई थी ऊँची दुकान पर, और दुकान से मैंने लाइट मेरे लिए लाइट, क्योंकि लिमका मैंने लेने गई तो लिमका नहीं था, और रात भी मैं कड़ी मार के गए थे, इतनी जोर से लगा था। ओ आदमी हमारा आदमी गई ना आखिर में नीचे, जब तुम मेरे को फोन क्यों करे? ओ का फोन करा हम का तुम्हें? ओ फोन क्यों करे थे? पूछने के लिए फोन किया था, कर दिया मैंने। तुमको मालूम ये जो झाड़ गिरा ना चूहे ने अपना, नीचे एक पाइप था, वो पाइप फोड़ दिया। क्या मानू हरा कलर का एक पाइप था बोलते हैं, वो पाइप फोड़ के पूरा पिचकारी निकला है। काय का पाइप? पानी का पूरा वो हो गया था। क्या हो गया? लाल है सारा ठेला लाल है। ये आदमी को मैंने बोली मेरे को बॉम्बे लेके चलो, लेके ही नहीं जा रहा। तो जाएंगे ना अभी। चलो गाइस मिलते थोड़ा सा। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने पहना है जीन्स, ये वाले मेरी ब्लैक वाली पैंट प्लाजो वाली, और ये वाला शर्ट, और बहुत टाइम के बाद ये बेल्ट लगाया मैंने। मैंने बेल्ट ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो पहन ही लेती हूँ आज, कम से कम कुछ ना कुछ निकाल निकाल के पहनूंगी, तो कम से कम कपड़े तो ख़त्म हो गए पहन पहन के, है कि नहीं। तो मैंने बोला चलो ये पहन लिया मैंने फटाफट, और मैं रेडी होकर कब से बैठी थी कि कैब गए थे समनानी को लेने के लिए, और मैं आज मेहंदी लगाने वाली थी, बट ऐसा हो गया कि मेरे को लेट होगा और मुझे जाना है दो तीन काम से भी, तो वो काम भी कर लूँ मैं, और मेरे को हैंड बैग्स भी करना है। मर्जिया ने बोला था मैं करती हूँ, बट मैंने मेरे को ना डर लगता है यार, मेरे को ना बहुत दर्द देता है, इसके लिए मैं नहीं करती जल्दी। और एनीवेज तो मेरे को वो भी करना है, तो मैं कल कर लूँगी, और 8 तारीख को इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी मेहंदी,
क्योंकि मेरा मन कर रहा है मेहंदी लगाना था, मेहंदी भी लगा लूँगी 8 तारीख को, बट अभी मैंने कैंसिल कर दिया और मुझे एक दो काम है वो भी कर लूँगी आज का। तो फटाफट अभी मैं नीचे जा रही हूँ, कैफ आ चुके और मक्खू की आवाज़ आप लोग सुन सकते हो और कुछ भी नहीं, आपसे मैं सीधा नीचे। इसको तो पूरा एक सेकेंड, मेरा कैमरा ना क्या कच्ची में मना। सो गाइस देखो ना, नहीं खा रहा है ये, तो पूरा सूखते जा रहा है और तो चलो ठीक है फिर भी। और गाइस मैंने कहा था कैब को कि ये प्रेग्नेंट है, तो कैब बोले नहीं 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 नहीं, देखो अभी से बच्चा, जिसकी हालत देखो एकदम सूख गई पूरी फसली गिनने दो तीन इंच दिखी भी नहीं है बट यार लोग क्या मालूम किधर तो दिए अभी तो निकल रहे थोड़ी देर से, अपन बाद में मांगता तो देखते उसको कुछ डॉक्टर को कुछ जवाब बोल गया यार लोग, वो कराने का न्यूट्रल कराने का यार। कैब मैं भी देखती हूँ, बच्चे थोड़े बड़े जाते फिर मैं नैश से पूछ के देखती हूँ, नैश आंटी से पूछती हूँ वो कराती हूँ यार। देखो ना कितनी से हो गई है यार, कैसे 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 वापिस वापिस कितने नखरे कर रहे हैं। हाँ मैं आज तैयार क्या हुई, ये लड़का तैयार भी नहीं हुई, वो तो सिर्फ ऐसी हूँ। चल बैठना अभी आ जाएगी। तुमने भी क्या डायलॉग मारे थे, चल पॉइंट जाएंगे, चल पॉइंट। अरे बाप रे, तुम और मुझे पॉइंट लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके जा सकता। अच्छा क्या डायलॉग मारे अभी तुमने, जाके करेगी भी क्या पॉइंट, बस पॉइंट है ना, है ना। फिर बाद में फोन लो अपना, रील्स देखते इधर उधर लेट जाओ, कैंडी क्रश है ना। चल बेटा चलो निकल रहे गाइस हम लोग। और गाइस मेरे से एक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग को इंशाल्लाह जब एंड करूँगी ब्लॉग का तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखना, तो आई होप कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो मैं कुछ चीज़ों की हेल्प मांगने चाहती हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ गाइस आप लोग एंड तक ब्लॉग देखना। गाइस मैंने बोला था वैसे तो टाउन जाके मिलती है आप लोग से, ये देखो गाइस देखो, बस इन लोगों के लिए हेल्प मांगनी है आप लोगों से प्लीज़ गाइस। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही दोगे, अभी नहीं आठ मतलब लाइक थोड़ा टाइम बाद के, और ये आदमी का बाल बोलता है मैं भी ना हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं बिना हेलमेट के चलाऊंगा कि ना लोगों को दिखना चाहिए मेरा हेल्प करता हूँ। अरे मुत्तू भाई, मुत्तू भाई देखो मेरा अब्बा मतलब दाल वाड़ी बाल दाढ़ी कराए। हम लोग टाउन पहुँच गए, हम लोग टाउन पहुँचे और मैंने ना बहुत टाइम पहले ना कुछ चीज़ देखी थी, तो ना हम लोग ना वही देखने के लिए रिटर्न गए थे और कैब मुझे लेके गए और ना, बट यार मुझे बहुत पसंद है वरना मैं नहीं ले सकती, रीज़न है उसके पीछे और रीज़न भी वैलिड रीज़न है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं, बट कैब मेरे को बोल रहे थे ले 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 ले, मैंने बोला नहीं ले ले मज़ा ले, नहीं ले सकती। माशाल्लाह बच्चे लोग देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे, तो मैं नहीं ले सकती, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। दिल पे पत्थर मारते हुए खुद को आगे बढ़ाते हुए हम निकल चुके। हमारा एक पार्सल था वो एक्सचेंज कराना था, तो सीन ऐसा था कि उनको साइज़ का थोड़ा मसला हो रहा था तो इस वजह से एक्सचेंज कराना था, तो हमने बोला ठीक है चलेगा और हम आए एक्सचेंज कराने और उनने कर दिया, बोला कि नहीं ये वाला मैं रख लूँगा, वो वाला मैंने रख लिया तो मैंने दे दिया मेरी बहुओं को और ये वाला बड़ा साइज़ भी उनने ले लिया, तो चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग मीनारा मस्जिद के आए और ये बच्चे लोग कपड़े देखो यार, ये वाली ट्रैक देखो रेड वाली कितनी प्यारी है, अच्छा कमाल ये देखो, और ये बैगी पैंट देखो इतना मस्त मस्त कपड़ा है, और एज इट इज़ यहाँ पर जाम ना हो ऐसा हो ही नहीं। मम्मा देवी क्रॉस कर दिया, अभी कालबा देवी जा रहे हैं, यहाँ पर बर्तन देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे, और ऐसे ना अम्मी हम लोग छोटे थे ना तो ना अम्मी यहाँ पर ऐसा मेन रोड पर गाड़ी से छोड़ देते थे और हम लोग यहाँ पर बर्तनों की दुकान के अंदर घुस जाते बर्तन लेने के लिए, बहुत पसंद है। ये है भोलेश्वर, भोलेश्वर है ना, राइट हाँ कुछ जाओ, तो ये है भोलेश्वर, यहाँ पर बुल्ले शाने तोड़े घुंगरू, सीधा चलो सीधा चलो, होटल देख रहा हूँ मैं वहाँ पर कितने लोग चल रहे यार, कितने लोग, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कम है लोग, फिर भी यार थक नहीं जाते गए लोग। ये देखो गाइस किड कलेक्शन,
गाइस ये आदमी के साथ रह रहे के मेरे को ऐसे से रास्ते देखने मिलते हैं ना, मेरे को डैडी लेके आए यहाँ पे, लेकिन याद नहीं बहुत पहले पहले। बाप रे माँ कसम, मैं लिटरली मैं पागल हो गई आदमी याद रहे के, मैं जहाँ जहाँ कभी गई नहीं है वहाँ वहाँ ले लेके मेरे को घूम रहा है, वहाँ वहाँ ये ले लेके घुसा है मुझे, मुझे समझ ही नहीं रहा मैं कहाँ गई हूँ। स्वागत 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 दीपक ट्रॉफीज, मुझे भी एक ट्रॉफी मिलना चाहिए। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं ये क्रीम डिलीवर करने के लिए। टाइगर टाइगर यहाँ घूम रहा है भैया, अच्छी आवाज़ है, टाइगर गया ही, टाइगर यहाँ घूम रहा था। ये क्रीम अभी लेके रुके, अब भैया को पहले माले से आने टाइम लग रहा है। आदमी शॉपिंग, आदमी परस, आदमी सर्पिंग, जान मुझे एक परस दिलाओ ना इनको। शिरीन ने लिए कुछ मटेरियल लिए, वो इंशाल्लाह घर पहुंच के आपको दिखाएगी। नहीं, 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 अभी नहीं, अच्छा डायरेक्टली जब पहनेगी बनाकर तभी बताएगी। अबे अंधेरे में भी मेरा कलर दिख रहा है रे। हाँ यार दोनों औरत मरत ना मुर्गा मुर्गी बन के घूम रहे हम लोग, तो बस अभी और कुछ सामान देखना है शिरीन को, वो देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। सो बने रहिए वीडियो गाइज। मैं ना अभी लेस लेने वाले कपड़ा, मेरे को तो सबने लूट ही लिया, मुझे इतना मालूम है कपड़ा वाले अंकल ने भी लूट लिया क्योंकि मैं ये सब मैं नहीं कर पाती ना, कैफ कर पाते क्योंकि हम लोग को जमता नहीं। कैफ का भी कच्चा कपड़ा पहले डैडी लेते थे क्या तुम्हारे को कच्चा कपड़ा? मम्मी डैडी लेते थे और अभी अम्मी लेते हैं कैफ के लिए कच्चा कपड़ा। हाँ अभी अम्मी लेते हैं और मैंने कभी ली नहीं कपड़ा, मैं ज़्यादा करके प्रेफर करता ही नहीं। हाँ क्या बोलते नहीं सिलाई ऐसा वैसा ये वो ढमकाना खिड़की देती इनकी, और अभी लिए तो ऐसा सीन हो गया कि क्या ही बोलने का। हाँ बाजू बाजू बाजू, तो अभी मेरे ना कच्चे कपड़े में भी तो अटक गए, बस लेस देखा मैंने एक जन 40 रुपये बोलता वही सेम, और फिर एक आगे जाती थोड़ा सा बढ़ के तो एक जन बोलता है कि 150-200 रुपये बताओ क्या बोलने, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। एनी वेज तो अभी आगे आ गया मेरे लिए कैब दिला रहे मुझे पर्स परस यार इसको देख के भैया वो आदमी देखो नोटिस बेचने के लिए वो मैंने भी उनका मुंडी ले घूम रहे थे, उसको लगा उसका मुंडी आके खत्म। एनी वेज हम लोग अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, मैंने आगे एक पर्स देखी वो पर्स दिलाते कि नहीं देखते। सो गाइस ये वाला कॉट सेट आप पीछे पीछे वाइट एंड ग्रे, वाइट एंड ग्रे, हाँ ये वाला, हाँ 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 वाइट लोअर। तो कैफ ने अभी यहाँ पर एक कॉट सेट देखे कितना 1000 रुपया, और यही कॉट सेट हम आप लोग को देते हैं 700 रुपये में। कितना वाला माल है वो? हाँ कितना 1000 रुपया और अब 700 रुपये में। यही है ना शिरीन, जो होल जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना खास है इसीलिए अपने को परवड़ जाता है ना, पर अपन फिर भी कैफ सोचना चाहिए यार, अपन इतना सही में देते फिर भी पब्लिक को लगता है कि अपन महंगे में अटका रहे। तो गाइस ये देखो मैं ले रही हूँ दुपट्टा, देखो गाइस मैं रोड पे से लेती हूँ, तुम लोग सोचते कि भाई नहीं ऐसा वैसा, ये देख देख दुपट्टा है देखा भैया वो अच्छा है पर उसका थोड़ा खस्ता है क्या? हाँ धागा खींचा ना चलेगा होता चलेगा, तो मैंने ये दुपट्टा ले लिया और सब पीस एंड मैच करके बनाऊंगी गाइस, आप लोग देखना और बताना कि कैसा लगा। वाह अब पब्लिक मेरे को ना एकदम पागल की तरह देख रही है यहाँ पर कि क्या कर रही है ये लड़की। तो गाइस अभी हम लोग ने 3 बैग्स ले लिए और मुझे जैसा चाहिए था वैसा तो मिला नहीं, बट ऐसा मिला कि मैं उसको रफ यूज कर सकती हूँ। हाँ जान जिलबाब इधर है तो देख लेती रहो, बट मेरे को जैसा चाहिए था वैसा तो नहीं मिला ना जान बैग, अभी कुछ तो मिला ना बैग। हाँ वो रफ यूज के लिए सही है क्योंकि मैं डेली बेसिस के लिए सही और मजबूत है बैग। और गाइस पता है जैसे हम लोग बैग ले रहे थे ना तो यहाँ पर ना वो गाड़ी आ गई थी तो सब लोग को लेके जा रहे थे, तो उतने में लोग सब सावन उठ रहे थे कि ना बुरके लिए आंटी ने क्या करा मालूम है, अपने ना बुरके के अंदर एक पर्स डाल लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख के मैंने कैसे बोला कैसे बोल बोल मैंने बोली मैंने बोली एकदम शर्मा के बोलेगा भी नहीं बोलेगा बुरका खोल के थोड़ी देख होता है। तो
गाइस अभी रुके हैं यहाँ पर पाइनएप्पल जूस पीने के लिए, मैं प्यास लगी ना तो अभी यहाँ पर रुक गए हम लोग पाइनएप्पल जूस पीने, पाइनएप्पल जूस पी के हम लोग निकल गए। तो गाइस मैंने एक ग्लास तो पी लिया है, मेरे को और पीने का मन कर रहा है। मैं पहली बार पी रही हूँ, पहली बार मतलब इतना पी रही हूँ, तो ऐसा है कि ना मैं पहले पिया नहीं करती था, मेरे को पीते थे मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता था, जब मैंने एक बार टेस्ट करी थी मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, बार बार अभी पीने लगी। अभी दो ग्लास मैं यहाँ पर से ले रही हूँ वापस, एक और ग्लास, बहुत मस्त लगता है पीने के लिए ठंडा ठंडा। तो गाइस निकल चुके हैं घर के लिए, जाना था कुर्ला फिर मैंने आंटी को बोला आंटी क्योंकि 11 बज चुके हैं मुझे यहीं, अगर मैं यहाँ पर से पहुँचूँगी भी तो मुझे बच जाएंगे ऑलमोस्ट 11:30 तक तो बज ही जाएंगे, फिर वहाँ वीडियो बनाते बनाते 12:00 1 बजे तक तो आराम से मैं वहाँ से निकलूँगी, फिर पसते पसते घर ही 1-2 बज जाएंगे क्योंकि आंटी से बात बहुत दिन के बाद जा रही, तो बात बात करने में करते काफ़ी देर हो जाएगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि आंटी क्या करो, तो आंटी ने बोला बेटे काम करो, ये तो कल आ जाओ, मैंने बोला आंटी काम कर दी ना मैं कल आराम से आ जाती, कैसे ना कल मुझे कोई भी काम नहीं है, तो जैसे कि मेहंदी वाली आने वाली थी आज, तो सीन ऐसा हो गया था मैंने आप लोग को पहले बताया कि सीन ये कि आज मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसने बोला कि कल ना मेरे भाई का रिश्ता देखने जा रही हूँ, मैंने बोला ठीक है चलेगा, तो मुझे खुद ही महसूस करके बोला दीदी मैं 8 तारीख आऊँ, मैंने बोला वेल एंड गुड कोई बात नहीं चलेगा, तो कल मैं मेरा पूरा काम निपटा दूँगी, जो मेरे को बाकी का काम है मेरे को मेरा जो मैंने आज कपड़ा लिया है वो सिलाने डाल दूँगी, और थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लूँगी, फिर मैं अगरबत्ती लोवान कर दूँगी, फिर मैं डायरेक्ट निकल जाऊँगी कुर्ला, है कि नहीं, मतलब इट्स बेटर कि मेरा आज का जो काम था, और ज़्यादा कुछ लिया नहीं मैंने, बस एक ही मेरे लिए ड्रेस पीस लिया और मटेरियल, और मैंने कुछ भी नहीं लिया, और लिया तो एक बैग लिया जो मुझे मतलब लाइक मैंने सोचा कि अभी पसंद तो था नहीं था, बट ऐसा है कि वो मजबूत है और यूज़फुल है, इसीलिए मैंने वो ले लिया कि मैंने बोला एटलीस्ट रफ यूज़ के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये बार बार ये निकलते ही जा रहा है मेरे बैग का, इट्स बेटर कि मैं बोलते ना वही वाला लेके, अभी प्लेन ब्लैक है तो चलो सब पे ही चले जाएगा कोई ना, और इतना कौन देखता है मेरे को वैसे भी, है कि नहीं, तो अपन ने वही वाला भी यूज़ करेंगे, पूरा ही शिफ्ट कर देंगे इसमें, और ये वाला बैग को मैं बना तो लूँगी क्योंकि ये बैग बहुत मजबूत है मेरा और बहुत टाइम से चला, मैं मोस्टली ना गाइस मुझे पसंद है स्ट्रीट शॉपिंग ही करना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है स्ट्रीट शॉपिंग करना, मुझे जितना बोलते ना बड़े बड़े मॉलों में शोरूमों में नहीं पसंद है उससे कहीं ज़्यादा मुझे स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है, और मैं स्ट्रीट शॉपिंग जब करती हूँ ना तो मुझे किसी से आराम आराम से करना रहता है, वरना मेरे को मेरे कोई सुकून वाला मिलता नहीं करने के लिए, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, तो चलो आप से घर पहुँच कर ऐसा हो रहा है, पैर भी तो हिलाता है ना इसे, ऐसा हो खड़े होके करके दिखा अच्छे से, वो तो हिल रहा ही नहीं था, नहीं तो हिलाने का ना, हिला के दिखा एक बार कैसा हिलाते हो, कैमरे में देख के दोनों अच्छे, कैमरे में देख समदानी का बैग लेके आए थे, ये लेके बैठी थी उसको बताई भी और वो बेचारा भूल के चले गया, फोन भी रखे और बंद दरवाजा बंद खुला छोड़ दिए, अरे गाय यहाँ से जहाँ वाला शाकाल रहता है, अरे बताओ मैं ये बैग की क्वालिटी क्योंकि मैंने जब देखा ना इसकी क्वालिटी सुप्रीम है, यस, और क्योंकि वैसा होता है ना कि टाउन में ना जब कुछ चीजें आती है ना ऐसे बल्क में तो वो क्या ही की होती है, ये सरप्लस का माल भी होता है और ऊपर से कस्टम वाला माल भी, यस, तो बहुत सारे जो आ जाते हैं ना तो उन लोग ना ऐसे करके उन लोग ना फटाफट ऐसे बेच लिए, लेकिन मतलब एक रेट बोल के लेकिन कैसा वो एक रेट बोल के उन लोग वो कर देते हैं सेल पे रख देते हैं, तो ये मुझे हम लोग को ये वाला बैग कितने में मिला पता है, कितने में मिला ये वाला आया 150 ₹150 और गाइस और मेरे लिए इसने एक बैग ली जो मतलब R15 पे जब भी हम लोग जाएंगे तो पहनने के लिए, या फिर ये मैं भी नहीं जाती तो कैंप पे किसी अकेले जाते तो मोबाइल तो 200 रुपए का वो आया
और एक ब्लैक कलर का इसने लिए। अच्छा, तो 350 का था बट टोटल इन टोटल 570 में उससे हम लोग ने तीनों बैग लिए। देखो उन लोग के लिए खाना लेके आए जैनब के यहाँ से, अभी इसको भी डाल रहे हैं यहीं, सुक्का यहीं बैठ के छोड़ दिया। सो गाइस हमारा खाना वाना खाकर हो चुका है और आके बिन बिन आ रही है, बस अभी सोने जाना है। और गाइस आप लोग ने देखा कि अपना क्या नाम है, क्या बोल रही थी मैं, हाँ आप लोग ने देखा होगा कि जैसे कैसे कैफर में दुपट्टा एकदम खोल के बराबर से चेक कर रहे थे, फिर एक दुपट्टे में आपने देखा कि होल भी निकला, क्योंकि पहले वाला जो दुपट्टा ली थी वो बराबर था, बस उसके थोड़े बहुत धागे खींचे हुए थे, तो वो एक ऑप्शन के मैंने एक लिया है दुपट्टा। बाकी तो वैसे तो मैं प्लेन वाइट ही लूँगी, तो इतना मैं आप लोगों को रिवील कर देती हूँ कि उतना तो देख ही लिया आप लोगों ने, ब्लू एंड वाइट कलर का मैंने कुछ मटेरियल लिया है और कैफ के लिए भी एक मटेरियल लिया है और एक मेरे लिए लिया है, तो उसको जब मैं दोनों का हमारा सिल के रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ दिनों में दिख ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद है ना, मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बट है ना कैफ का पीठ का दर्द और कैफ का दर्द मुझे यही बोला भी चलो, तो मेरा और भी बहुत मन था, मेरे को ना मतलब एक ऐसा मन करता है कि कैफे ना समय जब मैं शॉपिंग पे जाऊँ ना ऐसे स्लो स्लो चीज़ें देखती रहूँ, तो क्योंकि ना बहुत घाई घाई करते थे, हुआ चलना लेना फटाफट लेना फटाफट लेना फटाफट ऐसे ही करते रहते। पर्स के टाइम पे भी अब बबरी ये लड़की कल चलेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, ऐसे ही करते रहते, मेरे को ना बिल्कुल भी बोलते ना सुकून से शॉपिंग करने देते ही नहीं, तो बहुत किरकिरी आदमी है मेरा ये, मेरे को अकेले ही किसी दिन जाना पड़ेगा। और ये देखो ये नहीं देखेंगे कि कितना आदमी का ख्याल रखे चीज़ें पे ध्यान देती है चीज़ों पे, कि देखो ये मैंने ये बैग ली कैफ के लिए, ये क्यों ली जान, क्योंकि मैं R15 पे जाता हूँ तो जेब से फ़ोन वगैरह गिरने का डर रहता है इसीलिए, और फिर कभी ऐसा कुछ पैसा वैसा भी लेके जाते हैं तो कैफ के पास वॉलेट नहीं है, कैफ वॉलेट नहीं यूज़ करते, पहले यूज़ करते थे तो अभी वॉलेट है ना वो बारिश के टाइम पे लास्ट टाइम है ना वो हो गया था नम होके पूरा उस पे ना वो हो गया था, तो फिर तब से वॉलेट यूज करना ही बंद कर दिया उन्होंने, तो फिर में और इसमें अच्छी खासी स्पेस है गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर एक जिप है, ठीक है मेरा पूरा एक अक्का हाथ जा रहा है, देखो यहाँ एक जिप में यहाँ है मेरा इतना हाथ चला गया, फिर उसके बाद में ये बंद कर लिया अपन ने, फिर यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, ठीक है फिर उसके बाद में हमने ये ऐसे लगा दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक ऑप्शन है जिसमें भी देख कितना सारा स्पेस है इसमें माशाल्लाह, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर भी है, अरे वाह के पर कितना सारा स्पेस मिला है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा छोटी बॉटल या ऐसा कुछ लगा सकते हो तुम पानी की, नाइस है ना नसीब। और ये नसीब क्या मैंने देखी, वो भैया ना ऐसे सब लो 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 कर रहे थे तो मेरे को दिख गया, क्या कर रहे थे लो लो लो, तो मेरे को दिखा ना तो कैब बोलते थे कि जन मेरे को ना एक बैग लेने का R15 है ना कभी भी ये कर, तो एक बैग लिए थे हम लोग ने, वो कैसे था हमारे ऐसा इधर कमर में पहनने वाला है वो है अभी भी, बट सीन ऐसा है ना कि उसमें फोन गया तो और बाकी कुछ नहीं जा सकता, और कुछ नहीं जा सकता, और जब बैठे ना R15 पे तो वो ना पेट की एकदम इधर आके ना लग अड़ता है टाकी पे, तो ये बेटर है ऐसे मस्त पीछे ऐसा रहेगा, ये वाला अच्छा है, तो ये बैग लिया है ठीक है, और मेरे लिए लिया ये वाला बैग मैंने, मैंने बोला कि Something better than nothing वाला शॉट है गाइस ये, और ये बैग अगर लेने का वजह भी ये कि इसमें अच्छी खासी स्पेस है, और मेरा सामान मैं ना मोस्टली ना क्या होता है ना गाइस कि ना मेरा सामान ना ज़्यादा करके मेरा हैंड बैग में रखती हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे मेरे फेस पे भी जो भी अप्लाई करते ना वो मेरा बैग में ही रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जिप मैंने ओपन कर दी ठीक है, तो इस पर काफ़ी सारी स्पेस है, काफ़ी सारी स्पेस बहुत सारी स्पेस, और मेरा जितना सामान है ना सब इसके अंदर आ सकता है, और अगर रही बात मेरे कैश की, जैसे मैं कैश छुंड मुंड रखती हूँ कभी किसी को देने के लिए कुछ, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक ऑप्शन है जैसे साइड में कुछ मेरा चुनमुन चिल्लर जैसे फटाक से डाल के देने के लिए ये एक, नहीं तो फिर यहाँ पर मेरा कर्जल पेंसिल या ऐसा कुछ आ सकता है, और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा, बहुत मजबूत है और वाटर प्रूफ है, तो लोग ने बोला है ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं कैफ ये होगा क्योंकि इसका मटेरियल जो है ना ये बहुत अच्छा है, और ये
और ये ब्लैक कलर है पूरा प्लेन ब्लैक, तो ये हर किसी चीज़ों पे जाएगा, मेरे हर कपड़ों पे जाएगा, हर इस पे जाएगा। और मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को बोलने लगी मैचिंग मैचिंग वो ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे एक बैग चाहिए था, मजबूत चाहिए था, मजबूत मिल गया वो बैग, इंशाल्लाह मैं बना लूँगी, ठीक है वो लिया। और कैफ के लिए मटेरियल लिया, मेरे लिए दो मटेरियल लिया, मतलब लाइक नीचे के लिए और ऊपर के लिए, कैफ के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल ऊपर के लिए। और दुपट्टा लिया आप लोग ने देखा, समदानी के लिए येलो वाला बैग लिया। फिर तो ये तीनों बैग्स कितने के हैं? ये तीनों बैग्स आए हमको 570 के। यस, तो 570 के तीनों बैग्स मिले हमको। फिर उसके बाद में जैसे मैंने समदानी का लिया ना येलो वाला, तो वैसे मेरे पीछे एक आंटी है, वो आंटी आने के बाद ना, वो आंटी ने ना जैसे देखे ना, अरे मेरा हाथ में बैग देखे, फिर फटाफट ना यूं करके डिटोने लगे, तो उनको दो तीन दिखी, क्योंकि एक पिंक कलर में था और एक ऑरेंज में था और एक येलो में एक और था, तो उनने फटाफट वो तीनों उठा लिए, और तीनों उठा के ना ऐसे ही देख रहे कि सेम है कि, तो फिर मैंने भी देखा, फिर उनके साथ भी शायद कौन थी उनकी पता नहीं, फिर उसने क्या किया, मैंने एक और बैग था वहाँ पर, तो मेरे को कैफ वाला लेने मना करे, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का था, तो उनने क्या करे, मैंने ऐसे देखे कितने का, तो भैया ने कुछ 350 या समथिंग का कुछ बोला, फिर उसने रिटर्न नहीं रखी, वो औरत ने रिटर्न नहीं रखी, उसने क्या करी ऐसे करके ना ऐसे अंदर डाल दी, क्योंकि घाई घाई में, क्योंकि वो कौन सी बीएमसी की गाड़ी आ रही थी, बीएमसी की गाड़ी आ रही थी, तो गाइस वो लोग ऑलरेडी अपना वो बंद करके भागने के चक्कर में थे, तो वो लाइक उन लोगों ने एकदम अपने इसमें थे कि फटाफट बैग डाल रहे इधर, तो उसने फटाक से अंदर डाल, मेरी नजर पड़ गई। अब मैंने कैफ को बोला, मैंने वहाँ पर भैया को बोला ना, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था यार, मैं कैसे बोलूँ कैसे, मतलब लाइक मेरे को भी थोड़ा ये हो रहा था, फिर कैफ ने खुद ही भैया को बुला के बोल दिया, ना चलो अच्छी बात है। वो बोलने के बाद फिर हमने और थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, फिर नहीं समझ आई, एक और मेरे को बैग समझ आया, पर वो भैया ने कम नहीं करा, एनी विच वेज मेरे को मिला ना, चलो मेरे वैसे भी बहुत सारे बैग, वो नहीं तो कुछ तो मिल गया ना, मेरे पास ना बहुत सारे बैग्स है, बट है ना मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास स्लिंग बैग एक और है प्राडा वाला, जो बोलते ना अच्छा खासा स्पेस है उसमें, वो भी मजबूत, उसमें मेरी चीजें आ जाती है, बट मेरे को ऐसा था कि वो वाला नहीं यूज करूँ, मैं एक ऐसा ले लूँ कि मतलब मैं कहीं पर भी आती जाती रहती हूँ, कभी बर्गमैन पे टंगा दिया, कहीं नीचे रख दिया, कुछ कर दिया, तो मैंने ऐसे रफ के लिए यही सही है। फिर उसके बाद मैं गई वहां से सीधा अम्मी के यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा समदानी नाच रहा था, वो किसमें टिंगिंग है, टिंगिंग, वो अभी रिसेंटली आया ना वीडियो, एक बच्चे का, वो नाइजेरियन बच्चा, वो ऐसे ऐसे करके नाचती रहती है, लड़की है वो, है ना, लड़की है, लड़का है वो, शर्ट नहीं भाई नहीं लगा रहा, शर्ट पैंट तो गाइस आप लोग कमेंट करना कि लड़की की लड़का है, तो वो वाला वीडियो के एक्टिंग करके बता रहा था, तो मैंने वही इसको बताई कैफ को भी। फिर उसके बाद में वो होने के बाद मैं गई नीचे जैनब के यहाँ पर, तो अम्मी ने ना जानी मास दिए थे जैनब को, बोले कि ना कि क्या बोले जैनब को, हाँ बोले जानी मास तू ले, तो जैनब के पास भी बहुत सारी जानी मास है, तो मेरे को ना ये ना सिर्फ ऐसे देखी ना, मेरे को बहुत अलग लगी, देख सकते हो आप लोग, मेरे को ना एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा था, चटाई वाली वाइब आ रही थी, तो ना ऐसे ना मेरे को बहुत अलग ही लग रहा था। और फिर उस पर ना मैंने ये दो तस्बीह देखी, मेरी नजर गई ये दो तस्बीह पे, आप देख सकते हो, ये देखो एक ये वाइट वाली, ठीक है, फिर उसके बाद में गई ये वाली तस्बीह पे नजर, तो मैंने तस्बीह पे तक बोलता ना वो नहीं लाइक गौर नहीं किया, बट मेरे को ऐसा था कि बस ये जानी मास बहुत प्यारी। फिर उसके बाद में हुआ ये जानी मास, जैनब ने बोला अच्छा खोल के तो दिखा, तो नहीं खोल के नहीं दिखा बोली, मैंने अचानक से निकाली पैकेट से, मैंने बोला यार मेरे को बहुत प्यारी लगी यार, बहुत प्यारी लगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिर्फ बैक है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ बैक है, फ्रंट तो मैंने देखा ही नहीं था, अब आप लोग को दिखाती हूँ इसका फ्रंट, माशाल्लाह आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी, मेरी तो नजर नहीं हटी, जैसे ही मैंने खोला तो जैनब बोलती है ए दे दे मेरी जानी मास, दे दे मेरी जानी मास दे, तो मैंने बोला चल चल अभी ये मेरी होगी, मेरे को बहुत प्यारी लगी, मैंने तो सिर्फ ये बैग देख के मैंने इतना ये करी थी, बट जब मैंने फ्रंट देखा तो मेरी तो नजर ही नहीं हटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे कुछ पार्सल्स थे, वो पार्सल्स भी दिए और उनको एक्सचेंज करा था, बट उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि मैंने जैसे मैंने बताया उन्होंने उनकी बहू को दे दिया। फिर उसके बाद में हम गए थे, क्रीम का भी था तो वो क्रीम भी दे दी हाथों हाथ, फिर उसके बाद में एक पैंट का था तो एक पैंट भी दे दी है। और एक और चीज़ थी जो मैंने गाइस कहा था कि मेरे को एक चीज़ पसंद आई है जो मैं ले नहीं रही हूँ,
उसके पीछे भी एक रीजन है. रीजन ये है कि वो चीज है समथिंग अराउंड 10K और मुझे अभी 10K नहीं स्पेंड करना है जस्ट बिकॉज रमजान भी आ गया है नजीक. yes, और अभी एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाएंगे और ऐसा हो गया ना कि लोगों को लगता है कि यार यूट्यूब से ये लोग इतना कमा लेते उतना कमा लेते ये कर लेते वो कर लेते. नजर टोक तो बराबर लगा लेते हैं बट वो उनको पता नहीं है कि किसी को इतनी नजर टोक भी नहीं लगाना चाहिए. चलो कोई ना, बोलते हैं ना नजर से पत्थर भी तड़क जाता तो हम तो इंसान ही है, क्या ही कर सकते. तो आप लोग नजर लगाओ, हमको कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा. अल्लाह है अल्लाह, बोलते ना बेहतर से बेहतर ही अता करेंगे इंशाल्लाह ताला. और रमजान आ रहा है और रमजान में मैं बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह बोलते ना हमारे प्यारे हमारे प्यारे नबी के सदके में हम सबके घर में बोलते ना बेहतरीन से बेहतरीन अफ्तार अता फरमाए और सबके रिस्कों में बरकत अता फरमाए. सब अपनी मर्जी चाहे वो छोटी छोटी चीजें क्यों ना दियो गाइस. मेरे को बहुत पसंद है, जैसे मेरे को पहले से बहुत ज्यादा मैं हूँ. मैं पूरे घर में मेरी अम्मी से लेके जैनब से लेके सबसे ज्यादा ये कि जिम में स्ट्रीट से शॉपिंग करती है. हाँ जान अम्मी भी तुमको बोलते ना कि यही एक लड़की है बराबर ढूंढ के लेके आती है चीजें, पर लेके भी आती है ना तो ऐसी लेके आती है कि एकदम यूनिक चीजें लेके आती है. और कैंप की खुद घर में भी बोलते ही है कि ये लेके भी आती है, सस्ती भी लेके आती है पर अच्छी अच्छी चीजें लेके आती है. और तीन बच्चों के एग्जैक्ट तीन पे देख सकते हो सवा तीन और तो बार आप लोग गाना सुन सकते हो. एनी विच वेज गाइस, तो बहुत बड़ी बात बहुत लंबी बातें हो गई और एक्चुअली 11:30 हो गए. तो मेरे को बस यही था कि नहीं वैसे भी ज्यादा मैंने इतना ये नहीं करी थी छुड़ा चीज के लिए. तो बस मेरे को एक हेल्प थी कि कैफ ने बोले थे ये ब्लॉग में नहीं बताना, बट मैं चाहती हूँ कि ये ब्लॉग में मैं बताऊँ. नहीं नहीं अभी नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सुन ले पहले मेरी बात. पहले अपन अपने हिसाब से कोशिश करेंगे, सुन अच्छे से. नहीं 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 मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पहले सुनो तो फिर मेरे बोलने का चीजें तो सुनो. तो गाइस मैं ये बोलना चाहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर जितने फीमेल डॉग्स हैं मैं उन सबको न्यूट्रल कराऊँ. अगर आप लोग को पता होगा कि ये कहाँ पर किस तरीके से और कितना इसके चार्जेस होते हैं, कितना प्रोसीजर होता है. अब जैसे कि हमारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह लगे करोड़ एहसान से अभी हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बिजनेस के बाद हमारा यूट्यूब सबसे पहला है. और यूट्यूब पर हमारे बहुत चीज़ों का ना क्लैश हुआ था चीज़ें. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत चीज़ें क्लैश हुई थी. हम ऐसे करके उतर गए. मैं बीच में रो के बोल रही थी गाइस हम ऐसे थे ऐसे करके उतर गए. बट कोई ना कुछ वजह होती है और जब कुछ बुरा होता है तो उसका यही रीज़न होता है कि कुछ अच्छा भी आना होता है. जैसे कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ किया आया. और सिंपल सी बात है गाइस, जो भी होता है अपने वक्त पे होता है और अल्लाह हर चीज. और गाइस ये ना उम्मीद वाली चीज मुझे मिल गई. तो बोलते ना कहीं ना कहीं मेरा मांगना बोलते ना मिलता है, थोड़ा सबर करो मिलता है. बट मेरे को लिटरली वो चीज पे रोना आ रहा है कि मैंने बहुत रो के बहुत विनती कर करके मांगी थी अल्लाह से. yes, आज मुझे वो तो चीज मिली क्योंकि वो चीज मैंने वो जगह पे देखी थी और वो चीज वहां पर नहीं मिली थी. बट ये वो चीज वहां पर मिलना मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है. लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. और बस मैंने हमेशा मांगती थी नहीं भी मिलने के बाद भी, मतलब मेरे को मालूम भी पड़ गया था कि ऐसी चीज हो गई वैसी चीज हो गई, पर फिर भी मैं मांगती थी कि नहीं मुझे मालूम है मुझे मिलेगा, नहीं मुझे मालूम है. सो बस यही आप लोग से भी कि गाइस मांगो तो जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सबर रखो. और बस यही बोला कि बच्चों के लिए अगर कुछ भी ऐसी चीज आप लोगों को पता है कि कैसे क्या होता है. और हाँ अगर मेरे से जितना होता है मैं उतना करूंगी इंशाल्लाह, मैं इतना करूंगी. बस अगर मेरे से जिस जगह पर जहाँ पर मेरा थोड़ा हाथ कमजोर पड़े तो मैं गाइस आप लोग की हेल्प चाहूंगी, चाहे वो एक 50 रुपया से ही, चाहे वो एक 100 रुपये से, बस आप लोगों की, चाहे वो एक 10 रुपये या चाहे वो एक 10 रुपये से, बस आप लोगों की छोटी मोटी सी हेल्प मैं मांगूंगी. कि बस बच्चों की हालत के वजह से, क्योंकि मैं चाहती अल्लाह मुझे इतना अता करे कि मैं इन जानवरों को सब, इंसान तो क्या है ना बोल सकता है, या चलो वो मुक्का हो तो हाथों से इशारा करके बता सकता है, या चलो पहरा हो तो मुंह से बोल सकता है कि नहीं. अब वो अंधा भी रहे तो वो भी मुझसे बोल सकता है, या फिर वो सब कुछ रहे पर वो चीजें समझ सकता है, वो इशारे में बता सकता है, कोई उसको खिला सकता है. पर जानवरों को ना बहुत मारा जाता है, बहुत ज्यादा मारा जाता है. हमको बिल्डिंग में फीड करना मना है, नीचे हम खाना नहीं डाल सकते, फिर भी मैं चिल्ला चिल्ला के मैं सोसाइटी में चिल्लाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं हर जगह लड़ती हूँ, हर जगह कोई भी जगह, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो कोई बाजार हो, चाहे वो कोई रोड हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, मैं हर जगह लड़ती हूँ कोई भी जानवर को ये करता है तो. और बस इतने से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर कुछ मेरे से नहीं होगा तो मैं जब आपकी हेल्प मांगूंगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे वो हेल्प
करना और सपोर्ट करना प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और अगर कोई एनजीओ है या फिर कोई ऐसा है कुछ, हाँ, अगर एनजीओ वगैरह कोई हमको देख रहा है ना तो गाइस प्लीज हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि ये बस बच्चे हमारे बच्चे हमको वापस यही चाहिए। हाँ, पर ऐसा है कि बस न्यूट्रल करा के चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी जिंदगी जो बची कुछ ही ना वो अच्छे से निकले। यस, क्योंकि वो बच्चे को आज देखकर मेरे को बहुत रोना आया, मैं एकदम शॉक हूं। मैं फोन पे ऐसे बात करते उतर थी और जैसे मैंने उसको देखी ना मेरी नजर, मैं लिटरली उसको बार बार देख रही थी कि वो ही है क्या, वो मतलब मैं पहचानी नहीं उसको, बटली है क्या मेरी, मैं लिटरली उसको वही सोच रही थी। फिर जब टर्न हुई ना, जब उसके वाइट जो मार के ना गले का वो, तब मैंने उसके पट्टे से मैंने उसको पहचाना कि अरे वही है करके। फिर मैंने कैफ को भी बोला, तो बस यही था गाइस बोलना, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि हेल्प कर देना अगर कुछ हुआ तो। मैं अगर बोलूंगी, अगर नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगी अल्लाह के करम से। अल्लाह बस इतना दुआ करना कि मैं कर लूँ। और बस यही खत्म होता आज का हमारा दिन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। Thank you.